हे देयर, वेलकम टू उर्दू 33। तो आज हम लोग क्लास 10th जान पहचान का चैप्टर 2 को पूरी तरीके से समझ के कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है बेतकल्लुफी। आज हम लोग बेतकल्लुफी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। तो कन्हैया लाल कपूर जैसे इस इंशाया के राइटर है, तो कन्हैया लाल कपूर के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद इंशाया, उसके साथ साथ इसका खुलासा भी आज हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो तुम्हारी वर्ड मीनिंग रहती है, वो वर्ड मीनिंग यानी मानी को देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सवाल और जवाब को पढ़ लेंगे, उसका आंसर यहीं पे कर लेंगे कंप्लीट। और उसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज की एक क्विक रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे तुम्हारी एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके राइटर है कन्हैया लाल कपूर, जिनकी पैदाइश 1910 में हुई और इनका इंतकाल 1980 में हो गया। ये तुम्हें याद रखना है, इससे ही एक पॉइंट तुम्हारा बन, जैसे कि कोई राइटर के बारे में लिखने को आता है तो ये एक उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे तुम्हारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मिल जाती है। और अगर शुरुआत की लाइन ही बहुत अच्छी होती है तो पूरा नंबर अपने आप आने लगता है अपने पास। तो बुक में ये जैसे भी लिखा हुआ था, मैं इसे पूरे 5 पॉइंट में लेके आया हूं, जिसे तुम्हें याद करने में भी इजी होगा। तो कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, लाहौर तुम्हें पता होगा पाकिस्तान में है, एक बहुत ही फेमस सिटी है। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए, यानी एक इंग्लिश टीचर के उस्ताद मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद यानी 1947 के बाद ये इंडिया आ गए, और इंडिया में एक मोगा पंजाब में एक जगह है, वहां प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यहां वो प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए और यहीं इनका मोगा यानी पंजाब में इंतकाल हो गया। यहीं इनका इंतकाल हुआ। तंज व मजाकी इनकी खास मैदान थी, पेरोडी लिखने में इन्हें खास महारत हासिल थी। पेरोडी वो जो चार चार लाइन तीन तीन लाइन वो वाला गजल वाला नज्म वाला चीज होते हैं ना, उसे पेरोडी कहते हैं। तो जिंदगी के आम तजुर्बे से मजा पैदा कर लेना इनकी खास एक खास पहचान है। नोक नश्तर, बालो नरम गरम, कारवा नजदीक, और यह कॉमरेड शेख चिली, शेख चिली का नाम तुम्हें सुना होगा, एक फनी कैरेक्टर है, ये सब इन्हीं की लिखी हुई है। तो ये सारी इनकी फेमस बुक है, तुम्हें 3-4 भी याद रहे तो बहुत है, अगर तुम्हें अच्छे से याद रहे तो एक लाइन इससे यहाँ पे निकल जाता और तुम्हें एग्जाम में बस क्या लाइन भरना, नंबर लाना, सही सही चीज भरनी है। तो इसके लिए तुम्हें यह चीज याद रखनी होगी, बस पॉइंट वाइज है तो इसे याद करना ज्यादा ईजी होगा। और सब कुछ के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेतकल्लुफी, जो तुम्हारा चैप्टर है। तो चैप्टर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, कहने को तो उस्ताद शौक फरमा गए, ए शौक तकल्लुफ में है तकलीफ सरास, फरमा गए अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है। बेतकल्लुफी तकलीफ, ये अभी क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे आगे पढ़ते जाओ, बहुत ही ज्यादा फनी चैप्टर है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तजुर्बा शाहिद है कि तकल्लुफ भी जिसके मेराज पहले आप बेतकल्लुफी से बद दर्जा बेहतर है। फर्ज कीजिए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दरोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए, तो आप मुस्कुरा कर कह निहायत लजाजत से अर्ज करते हैं जी पहले आप, तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक को मरऊब होकर जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरक्स अगर आपका दरोगा जन्नत से बेतकल्लुफी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग बहशत के किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाए। ये इतनी सी बात है, तुम्हें कुछ अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और चैप्टर का क्या मतलब है, तो आगे में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो, तकल्लुफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हींग लगे ना फिटकरी और जाहिरदारी जो हो कि कायम रहती है। मसलन ये कि आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए, आप कहते हैं कुछ मंगवाओ आपके लिए, वो फरमाते हैं जी साहब तकल्लुफ मत कीजिए। जैसे तुम्हारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो तुम बोलते हैं कुछ मंगवाते हैं आपके लिए, अरे नहीं नहीं बैठी बैठी तकलीफ क्या कर रहे हैं आप। तो ये हुआ एक नॉर्मल सी बात। तो जैसे कि पूछे, इस चैप्टर में लिखा हुआ है चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पी है, सोडा मंगवाओ, नहीं साहब आप तो खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं, शरबत पीजिएगा, वाह साहब आप तो फिर तकल्लुफ पे आ गए। तो ये एक नॉर्मल सा होता है, हर घर में इस टाइप का तुम्हें सुनने को मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठंडा पानी पीजिएगा, अच्छा साहब अगर आप इसरार कर रहे हैं तो पी लेंगे। लेकिन ये हुआ कि अब पहले बोले कि चाय पीजिएगा ये पीजिएगा, तो थोड़ा नाना करने के बाद फिर उनका भी ख्याल रखा गया कि हाँ अब इतना कह रहे हैं तो चलो पी लेते हैं, तो एक पानी पीने को वो राजी हो गए। तो ये मिसाल क्या हुआ, ये मिसाल हुआ तकल्लुफ का। अब तुम्हें बेतकल्लुफी का मिसाल देता हूं, जिससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चैप्टर का यहाँ पे एक मजा वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इन्हीं हजरत से आपकी बेतकल्लुफी हो तो आपको कितनी जहमत उठानी पड़े, खाना खाइएगा आप, हाँ हाँ जरूर खाएंगे लेकिन खाने से पहले चाय पियेंगे, ये मतलब खाने से पहले चाय पियेंगे। तो फिर अगला आदमी ने पूछा कि चाय मंगवाओ, तो अगले साहब ने पूछा फिर कि चाय मंगवाओ, जरूर मंगवाइए लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए, चाय के साथ क्या खाइएगा। अम्मा यार तुम्हें तो मालूम है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिएगा। ये तुम्हारे क्या हो गए बेतकल्लुफी वाले दोस्त। बेतकल्लुफी क्या हुआ, जिसे कोई मतलब कि हेजिटेशन नहीं फील होता, जैसे कि तुम्हारे कोई जान पहचान के साहब होते हैं तो एक एक लिमिट में बोलते कि नहीं सबका ख्याल रख रहा, लेकिन ये जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, ये उनकी हरकत यहाँ पे बेतकल्लुफी दोस्तों की वही हरकत बता रहे हैं। मेरे साथ भी होता है कि कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसको बोलता हूँ कि चलो आज मैं तुम्हें आपको गुपचुप खिलाता हूँ,
तो गुपचुप खाने के लिए चले। गुपचुप खाने के बाद जैसे ही बोलेंगे भाई आज मोमोज खाने का हमारा दिल कर रहा है, देख रहा हूँ बहुत हो गया, तो मोमोज खा लिए। अब मोमोज खा लेंगे, मोमोज खाने के बाद तीता लग गया, अरे भाई बहुत तीता लग रहा है, चलो चलो कुछ ठंडा वंडा पी भी लेते हैं। तो इस तरह से तुम्हारे बेतकल्लुफी वाले दोस्त अच्छा खासा खर्चा करवा देते हैं, तो समझ लेना बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो। बेतकल्लुफी में तो हजार कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी यह कि बसा औकात इसके तफील आपको सख्त खुफत उठानी पड़ती है। बट अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे ही अगर तुमसे बेतकल्लुफी रहते हैं, तो इसके वजह से तुम्हें कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होने पड़ती है। अब जैसे कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कुछ हो, तो तुम अपना रफ लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हो। अब तुम्हारे अगर कोई जान पहचान के कोई जानने वाले हो गए, कोई बड़े हो गए, पापा के दोस्त कुछ भी हो गए जान पहचान के, तो अब तुम्हें वहां पे अगर तुम्हारे दोस्त अगर उसको पता ना हो कि ये तुम्हारे जानने वाले, तो अगर वो उस टाइप का कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वहां पे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। ये तुम्हारे रियल लाइफ में भी होता होगा, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तकल्लुफ में तो हजार का बात है, लेकिन सबसे बड़ी है कि बसा औकात इसके तफील सख्त खफत उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज्जिज अशखास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो। समझ लो कि तुम्हारे कोई बड़े हो, तुम्हारे कोई आइडियल हो, उससे तुम बात कर रहे हो, बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, और तुम्हारा कोई दोस्त आ गया बोलेगा ए चिंटू क्या मतलब, अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। तो यही बात है यहाँ पे लिखी है कि मसले पर गुफ्तगू कर रहे हो, कोई साहब दरवाजे पे इस तरह दस्तक दे रहे हैं गोया कि दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे। दो एक मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे होता है कि कोई तुम्हारे दोस्त ही दो मिनट दरवाजा नहीं आया, कहां मर रहे थे भाई सबसे। तो अब यहाँ पर ये साहब की कहानी स्टार्ट हो गई, अबे कहाँ है दरवाजा खोल, अबे ना इंजार सुनता नहीं है, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है सब मर गए क्या, ये चिल्ला रहे हैं वैसे। अब तुम कोई से एकदम अच्छी वाली बातें कर रहे हो किसी एकदम आलिमाना अंदाज में, और तुम्हारे दोस्त या फिर कोई भी जानने वाले बेतकल्लुफी दोस्त बाहर में इस तरह से तुम्हें चिल्ला रहे हैं, अबे ना इंजार मर गया क्या ये वो। अब तुम्हें यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी कि नहीं, तो वही चीज है। ये चैप्टर पूरा एकदम मजाइए वाला, तुम्हारे डेली लाइफ के एकदम होता रहता है तुम्हारे दोस्तों के साथ, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालते हैं और नहायती मतानत से कहते हैं माफ कीजिएगा साहब मेरा इनसे जरा बेतकल्लुफी है। या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्त न जाए मादन। इनमें से एक दूसरे को नहायत गलीज गाली देता है और आपकी तरफ उफ़ तलब नजरों से देखता हुआ कहता है बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह गाली देता हुआ कहता है माफ कीजिएगा हमें बहुत दिनों के बाद मेरे इससे माजरत के बाद। गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आप बेसाख्ता इसे बेतकल्लुफी के दाद देना पड़ती है। जैसे कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त अगर बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो अबे ये वो, जैसे कि तुम छिछोड़े मूवी देखे होगे, अब उसमें कोई वो बात कर रहा था वो जो सेक्सा रहता है वो बात करता है मीटिंग में रहता है, अब वो वहां पे कॉल आता है इसका किसका सुशांत सिंह राजपूत उसका कॉल आता है और वो स्टार्ट होता है अबे ये एकदम मतलब कि अच्छी से मीटिंग में एकदम वो एम्बेरस हो जाता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे अब कोई दोस्त अचानक से मिला अब वो वहां पे गाली गलौज करने स्टार्ट हो गया, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम वहां पे थोड़ा सा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ। तो इसी टाइप का किस्सा पेश आने के साथ नॉवेल में बहुत सारा इस तरह का किस्सा पेश आ चुका है। नॉवेलों में बेतकल्लुफ दोस्तों की बड़े दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। तो नॉवेल में एक कैरेक्टर है ठेकरे, ठेकरे का एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त उसकी एक कमीज जरूर मुस्तार कर लिया करते थे, मुस्तार मतलब मांग लिया करते थे। अब कोई दोस्त के पास आया अब बोला कि भाई तेरा मतलब कि कोई टी शर्ट है, अब भाई ये टी शर्ट हम ले जा रहे हैं ऐसे करके हमेशा जब आए तो एक कमीज मांग लिया करते थे, एक कपड़ा मांग लिया करते थे। राइटर जो है कन्हैया लाल कपूर वो बताते हैं हमारे एक दोस्त इस मामले में ठेकरे के इस किरदार से भी बाजी ले गए, मतलब इससे भी दो कदम आगे। वो सिर्फ कमीज पर इक्तफा नहीं करते थे, वो सिर्फ कमीज नहीं ले जाते थे सारी पोशाक का मुतालबा करते थे। उमूमन टैक्सी पर सवार होकर आते थे हमारे यहाँ तशरीफ लाते थे और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते थे ₹5 का एक नोट निकालिए ड्राइवर को दफा करूं, जैसे कि तुम्हारे घर में आए और जैसे बोले अरे भाई ₹5 दे इस ड्राइवर को दफा कर, अब तुमसे यहाँ पे मांग ले अब तुम यहाँ पे देना ही पड़ेगा तुम्हें इस तरह। तो ये इस तरह से पहले ही से तुम्हारा ठगना स्टार्ट कर देते थे, उसका ड्राइवर को दफा करो फिर बातें करेंगे। यह हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी में वापसी में काम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, मतलब चलते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आए तो उन्हें कह दीजिए कि मैं उनका गर्म कोट खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूं, चंद दिन में इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। और उसका ब्लैक पैंट वुलन कोट सब लेके चले जाएंगे, मतलब उसके गैर मौजूदगी में रहेंगे तो नौकर क्या ही कहेगा, नौकर को इत्तला भी कर देंगे इससे चोरी भी नहीं हुई और आराम से कुछ दिन यूज करने के बाद लौटा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने बोला कि ठेकरे के किरदार से दो कदम आगे ही निकल गए ये दोस्त हमारे। और इसी तरह से हमारे एक और बेतकल्लुफ दोस्त है, वो जहां कहीं भी हमसे मिलते
मुसाफा करने के बजाय बार बार बगले घरों के बेतकल्लुफी का इजहार करते। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई, बाजार के बीच उन्होंने हम ये अमल जो दोहराना शुरू कर दिया। राहगीर के दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। अब जैसे कि अगर तुम्हारे दोस्त है, अब तुम रोज रोड पे चल रहे हो, अब तुम्हारा कोई एक दोस्त है जो एकदम अरे भाई ये करके अब हमेशा हर जगह पे मिल रहा है, मतलब कि कुछ अरसे गुजर जाए, कुछ साल दो साल के बाद मिले, समझ में भी आता है, लेकिन हर दूसरे दिन और अरे भाई चिल्ला के पूरा दोस्त, अब तुमको सारे लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या पागल, अब तुम भी वहां पे एम्बेरस होने लगे कि क्या कर देते। दो वैसे ही वो दोस्त के बारे में बताते हैं, बगले घरों के मिलते, भाई खूब मिले यार हद हो गई। अब राइटर बोलते हैं यार हद हो गई, वो इस अंदाज में मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। और इससे राइटर बताते हैं कि हालांकि इस मुलाकात से दो दिन पहले अभी दौर में मिले थे, वहां भी उन्होंने इसी खसी की गर्म जोशी का इजहार किया था, वहां भी वो ऐसे अरे भाई मिले मिले ऐसे करके स्टार्ट हो गए थे। बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल की इस वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान कह नहीं सकते, मतलब बेतकल्लुफ दोस्त को तुम कह सकते हो कि अबे भाई चला जाए यहाँ से भाग यहाँ से, लेकिन तुम ये तुम्हारे दिल में होता रहता है, लेकिन तुम ये कह नहीं सकते कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वबाल जान नहीं कह सकते, अगर इसकी वजह मैं आए तो आधी रात आपके घर आ धमकेंगे और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करेंगे बल्कि कहेंगे सोएंगे भी यहीं और आपके साथ सोएंगे। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर आजारा मजाक आपके दोनों मोचों का सफाया डाल डालेंगे। शिद्दत से दर्द से आपका करा रहे हो तो बदतमीजी से आपका मुंह चिराना शुरू कर देंगे। आपको कहीं पे समझ ले चोट वोट लग गई होगा, अरे अरे भाई क्या चोट लग रही है क्या लग रहे हो भाई, अब ऐसे करके चिराना तुम्हें शुरू कर दे। जैसे कि तुम्हारे इस दोस्त का मिसाल तुम्हारे वो थ्री इडियट पे वो जो स्पीच चेंज करने वाला है ना, तो वैसी मतलब कि कभी भी आ जाए कुछ भी मजाक कर दिए, तो इस तरह का जो दोस्त होता है ना, मतलब बेतकल्लुफ दोस्तों के बारे में बताया जा रहा है। बाज़ औक़ात में बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत मरतकब करते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकलीफ। एक दफा मुझे देरी जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म में टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई, पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, मैं कहने लगा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो बाटा नगर चले, अपने से कहे चलो बाटा नगर चले। वो मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रही, यकदलक्त उन्होंने कहा कि जरा टिकट दे दिखाओ, जरा टिकट दे दिखाओ भाई, हम नहीं मान रहे, तुम टिकट दिखाओ पहले। मैंने टिकट दिखाया, टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरे टिकट दिखाया और हाँ चल भाई अब तू दिल्ली नहीं जा रहा। कुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो, उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। अब लो अब साहब ने एक बार इससे भी और यही साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ गुरु आफ्ताब का मंजर देख रहा था, शाम का टाइम था, दरिया किनारे सनसेट का टाइम था और वो यहाँ पे सनसेट का मंजर देख रहे थे, पीछे से आए के साथ और ऐसे धक्का मारे कि वो पानी में जाकर धमाक से गिर चले, लड़खड़ाते हुए पानी में जाकर गिरे। आप न्याय ढटाई से कहा लगा कर फरमाने लगा और जैसे ही पानी में गिरे आप स्टार्ट हो गए हंसना और उसके बाद कहते हैं वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर के किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहा लगा कर कहने लगे मुझे मालूम ना था कि आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तो अब ये सारी बात होने के बाद राइटर कहते हैं तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहे कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत। यानी तकल्लुफ जो था ना स्टार्टिंग में चाय पीजिएगा तो बोलते हैं नहीं 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 पियेंगे, बोले खाना खाइएगा बोले नहीं नहीं नहीं, तो ये एक तरह की तकल्लुफ हुई। तो बोले ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, नफासत वाली चीज है, लेकिन बेतकल्लुफी कि चाय पीजिएगा बोले हाँ चाय पियेंगे खाना भी खाएंगे सुट्टे भी पियेंगे ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो ये बेतकल्लुफी वाली चीज है। तो बोले बेतकल्लुफी सरासर कसाफत, ये मतलब एकदम बेकार चीज है। तकल्लुफ पहले आप तो है बेतकल्लुफी पहले हम और जानने में जाए आप, तकल्लुफ गस भर लंबा घोट है तो बेतकल्लुफी गस भर लंबी जबान, तकल्लुफ जेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदे बेबाक। मतलब कि राइटर बोलते हैं तकल्लुफ बहुत अच्छी चीज है, बेतकल्लुफी मतलब बहुत ही बेकार चीज है, तुम इसका मतलब बेतकल्लुफी तो तकल्लुफ के आसपास भी नहीं है, राइटर का कहना का मतलब ये। अब अगर इस पर उस्ताद जौक जो उस्ताद जौक जो कहानी स्टार्ट हुई थी कहने को उस्ताद जौक फरमा गई और तो अब इस पर अगर उस्ताद जौक फरमाए कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा, वही बोलेंगे अरे हमारे जैसे दोस्तों से आपका पाला ही नहीं मैंने पड़ा। वो एक मीम है ना, तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, वही वाली बात है यहाँ। तो चलो इसकी राइटर थे कन्हैया लाल कपूर। इसी के साथ तुम्हारे चैप्टर में जो चीज लिखी हुई थी वो चीज कंप्लीट हो गया। चैप्टर पढ़ने में तुम्हें कैसा लगा? अब चलो इसका वर्ड मीनिंग जो जी भारी भारी अल्फाज इसमें से गुजरा है, मतलब कि पूरा तो चैप्टर फुद्दूस है लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ तीन चार ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिसका मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आता एग्जैक्ट मीनिंग, जिसका कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसलिए वर्ड मीनिंग भी हम लोग देखेंगे। तो मेराज यानी बुलंदी, राहत मतलब आराम,
उफो तलब मतलब माफी मांगना, उफो तलब हो कहते तो मतलब माफी मांगना, माजरत मतलब उज्र, इक्तफा मतलब काफी समझना, इक्तफा कर दीजिए आप इसमें, काफी समझिए आप इसको, करम इनायत, गुरुब सूरज या चांद का डूबना मतलब सनसेट, तकल्लुफ तकलीफ उठाकर कोई काम करना, शाहिद शाहिद मतलब गवाह, ना हिंजार बुरी चाल चलने वाला, यकलक्त यानी फौरन अचानक, मुस्तार मांगा हुआ मतलब कि कबीज मुस्तार कर लेते थे मांग लेते थे, अदब मौजूदगी यानी गैर हाजिरी गैर मौजूदगी, विदा विदा मतलब रुखसत, जुदाई मतलब कि अलविदा मतलब विदाई तो समझ रहे हो यार। उसके बाद अब चलो ये सारा वर्ड मीनिंग वाला किस्सा खत्म होता है। अब खुलासा इस चैप्टर का, अगर तुम्हें खुलासा लिखने को आ जाए चैप्टर का तो इसके जो भी नॉवेल वाला पार्ट से ही आता है खुलासा लिखने को, तो इसके जो लिखी हुई चीज है इसका पीपीटी तुम देख लो, इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह खींच लो, ये तुम्हें काम देगा कहीं पे अगर लिखने का हो, तुम्हें लिखनी है ऐसा तो तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा अगर तुमने सुना होगा ये सारी चीज मेरी। बट खुलासा जो चीज लिखी हुई है इसे इस अखदबाज पे मुसन्निफ बेतकल्लुफ दोस्तों की दिलचस्प बातें बताई हैं। पहले वो ठेकरे के एक किरदार का जिक्र करते थे जो अपने दोस्त के पास जब भी आकर ठहरते जाते वक्त उनसे एक कमीज मांग कर ले जाते। इस तरह वो अपने एक दोस्त के मुतालिक बताते हैं जो ठेकरे के किरदार से भी बढ़ चढ़ कर थे। वह कमीज के साथ साथ सूट खाकी टाई काली पतलून भी यह कहकर ले जाते थे कि चंद दिन में इस्तेमाल करके वापस कर देंगे, और उमूमन टैक्सी में आते और टैक्सी का किराया भी इन्हीं से दिलवाते। एक दूसरे भी बेतकल्लुफ दोस्त का मुतालिक बताया कि जब भी कहीं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगर लेकर होकर एक बार अनहरकली के बाजार में इस तरह मिले कि राह चलते लोग हैरान रह गए, ये किस तरह बगलेगर होकर हर दो मिनट में बाद बगलेगर होकर कहते हैं कि अरे भाई फिर भी देखिए वाला लाइन करके। तो इस तरह के दोस्त के बारे में ये जो तुम्हें खुलासा है इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर लिखने का है तो तुम्हें लिख लेना। और अगर ये सारी चीज अगर तुम्हारे स्कूल में अगर कॉपी मेंटेन होती है, ये सारी अगर खुलासा लिखने का होता है तो ये सीधा सीधी छाप दो पढ़ के। और ये चैप्टर अभी तक तुम्हें कैसी लग रही है वीडियो, अभी तक तुम्हें अगर यहाँ पे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे साल जितने भी तुम्हारे उर्दू से रिलेटेड चीज आने वाली है पूरे साल तुम्हारा इस बोर्ड का तुम्हारा 100% उर्दू में तुम्हारा देख लेना। अगर ये चैप्टर तुम अभी से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा 100 में 95+ पक्का है इंशाल्लाह। अब जो इसका है क्वेश्चन आंसर मशकी सवाल, लिखो चाहे नहीं लिखो लेकिन इसको अगर तुम्हें ये भी जो भी मशकी सवाल मैं यहाँ पे बोलूंगा इसे तुम पॉज करके दो बार एटलीस्ट खुद के जबान में पढ़ोगे तभी ये तुम्हारे काम आएगा। और अगर तुम दो बार पढ़ लोगे ना, और एक बार एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ते हो वो हमेशा जैसे वो पढ़ लोगे तो तुम्हारा मतलब एग्जाम के टाइम में जो तुम रिकॉल करके लिखते हो ना वो मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है इसे समझने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो इसे तुम मतलब बहुत अच्छा तुम्हारा उर्दू कम मेहनत में बहुत ही अच्छा तुम मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो जितनी वैल्यू मैथ की है ना उतनी सेम वैल्यू उर्दू की भी, अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जितनी मेहनत अगर तुम मैथ में करते हो ना उसका 10% भी अगर तुम उर्दू में दो ना तो उर्दू में तुम 100% नंबर लाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उर्दू बहुत ईजी चीज है, तो इसलिए थोड़ी इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम छोड़े रहे सीधे एग्जाम के टाइम में देख रहे ये गलत है। तुम्हें अगर थोड़ा देखने रहोगे ना तो उर्दू का तुम्हारा समझ लो कि बोर्ड के टाइम में ना सिर्फ तुम्हारे चार सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें उर्दू एकदम नेग्लिजिबल मानो तो चार सब्जेक्ट का अगर ध्यान देना पड़ेगा जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट रहेगा उस पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे, इससे बहुत ही ज्यादा रहेगा। और कोई कोई जिसका उर्दू वीक होगा तो वो सिर्फ उर्दू रीडिंग पे ध्यान दे, बाकी जो भी चीज है पढ़ने वाला जितना भी क्वेश्चन आंसर वो सब मैं यहां पे करा दे रहा हूं, बस वो रीडिंग सही कर ले जिससे वो मतलब कि क्वेश्चन समझ के पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, इतना चीज तो वो खुद ही करना पड़ेगा ना भाई। तो अब चलो क्वेश्चन आंसर का पहला सवाल देखते हैं, बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है? तो इसका जवाब यह है कि बेतकल्लुफी से बड़ी परेशानी यह होती है कि बेतकल्लुफ वक्त बेवक्त ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब भी इसी तरह बेहुदा होंगे। अब जैसे कि तुम्हारे दोस्त की संगति रहती है, अब कोई तुम्हारे गाली गलौज वाले रहते हैं, कोई सिगरेट वगैरह पीने वाले रहते हैं, और कोई दूसरे तुम्हारे जान पहचान के कोई चीज देखेंगे और वो उन सबसे जज करेंगे कि अरे ये इसी सबके साथ घूमता रहता है तो इसके भी यही होगा। तो यही बात बता रहे यहाँ पे सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, तभी तो ये बिना किसी झिझक ये गुफ्तगु और ये हरकतें हो रही है, पर बोलेंगे ये भी इसी तरह होंगे तभी तो इसी लोग के साथ घूम रहा है, तो यही बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि ठेकरे ने अपने एक किरदार के बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया है? तो ठेकरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक ये बताया कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज उधार ले जाते, कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। सवाल थर्ड और ये आखिरी सवाल है, इसमें सिर्फ तीन ही सवाल है और बड़ा बड़ा सवाल है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल जो रहते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ए ज़ौक तकल्लुफ में तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? मिसरे में शायर यह कहना चाहता है कि तकल्लुफ करने में अक्सर नुकसान होता है। इस शेर का दूसरा मसला यह है कि आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते, यानी बेतकल्लुफी के साथ खाते पीते हैं, आमद रफत में भी एहतियात नहीं करते, सरारा इस तरह लोगों से मिलते हैं जिसे सभी इन जैसे हो,
किसी के घर जाते हैं तो वहां भी बेतकल्लुफी का मुजाहिरा करते हैं। जाहिर है कि इन लोगों को इस तरह कुछ करने से आराम मिलता है, मगर दूसरे लोग इनकी हरकतों से बड़ी परेशान हो जाते हैं। बेतकल्लुफी एक हद तक अच्छी है, इस तरह सरासर तकल्लुफ भी बस औकात नुकसान भी साबित होता है। तो यही चीज है कि हर चीज की एक लिमिट जरूरी है, तब किसी भी चीज का एक्सेस बहुत ही बुरी चीज होती है। तो अब इसी में भी अगर कोई चीज ज्यादती होने लगेगी तो कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई एक लिमिट ही तक कोई तुम्हें बर्दाश्त कर पाएगा। तो यही बोले कि सब कुछ जरूरी है लेकिन एक लिमिट में। इतना के बाद तुम्हारा चैप्टर तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पे क्विक रिविजन के लिए कि तुम्हारा ये चैप्टर तुम सही से पढ़े हो कि नहीं, ये जो नी भी बात मैं बोला हूँ तुम सही से सुने हो कि नहीं। तो चलो कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर लेते। तो फर्स्ट एमसीक्यू ये है, जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त उससे एक डैश जरूर मुस्तार कर लिया करते थे। तो उससे क्या मुस्तार कर लिया करते थे? पहला घड़ी, दूसरा कमीज और सी है चश्मा। तो तुम्हें जरूर पता होगा अच्छे से, अगर कमीज तीन चार मरतबा यहाँ पे जिक्र हो चुका है तो कमीज। दूसरा सवाल यह है कि कसाफत के मानी क्या है? कसाफत के मानी मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था। तो कसाफत का मानी है गराजत, यानी कसाफत कहां पर बोल रहे थे कि बेतकल्लुफी खलासत है, ये जो बेस्ट फ्रेंड वाली हरकत रहती है वो कसाफत है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल कहां हुआ? अब तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर तुम सही से सुने हो तो कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल पंजाब में हुआ था। वो मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के हैसियत से हो गए थे, मुलाजिम हो गए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, अकबर कहानी पढ़ी ये कौन से जमाना है? अकबर ने कहानी पढ़ी ये कौन सा जमाना है? तो ये जमाना माजी के बारे में बात हो रहा है, पढ़ी खाना खाया वो हुआ, तो ये सब माजी के बारे में बात हो रहा है, यानी पास्ट के बारे में बात हो रहा है। और अगर तुम्हें यहाँ पे उर्दू ग्रामर के पास्ट फ्यूचर इस टाइप की चीजों में अगर थोड़े से भी दिक्कत है या फिर उर्दू ग्रामर के कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं वाहिद जमा साबिका लाहिका इस टाइप के, तो ये सारी इस वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो को जरूर से देख लेना, इस वीडियो में तुम्हारा बहुत ही कम टाइम में 8 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा ग्रामर का बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर किया गया है। तो इसे जरूर देख लेना। ये आज का पढ़ाना कैसा लगा सब कुछ कमेंट करके बताना, कोई चीज अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। उर्दू समझ रहे हो बहुत ही कम लोगों के पास है, तो हर किसी को पता होना चाहिए उर्दू में इतनी मेहनत की जा रही है, तो हर तक पहुंचना चाहिए ये चीज। और इस टाइप की वीडियो आती रहेगी, फ्यूचर में भी आती रहेगी उर्दू चैप्टर से रिलेटेड उर्दू क्वेश्चन।